ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट में। ये हमारे चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग वन, या सिंपल भाषा में मटेरियल वन। ये हमारे चैप्टर का नाम है। हम लोग आज करने वाले हैं सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन 8B। ये क्वेश्चन नंबर 8B है। ये कंपनी का नाम है दीनी मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें क्या अलग है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ ईओ क्यू ही है, फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। पूछा हुआ ईओ क्यू है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन में ये जो 50 लाख रुपीज आप देख रहे हो, ये एनुअल कंजम्पशन है। 50 लाख रुपीज हमने जो ऊपर एक दो क्वेश्चन किए उसमें एनुअल कंजम्पशन यूनिट्स में या केजीज में या क्वांटिटी में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन रुपीज में दिया हुआ है, 50 लाख रुपीज। तो देनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यूजेस मटेरियल ऑफ रुपीज 50 लाख पर ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है पर ईयर। तो ये हमारा एनुअल कंजम्पशन हुआ, ए इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, और ये 50 लाख रुपीज दिया हुआ है, ये 50 लाख रुपीज दिया हुआ है एनुअल कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रुपीज। 50 लाख रुपीज का रॉ मटेरियल हमको चाहिए हमारी फैक्ट्री में। इतना रॉ मटेरियल पूरे साल में हमको खरीदना है। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इज ₹50 पर ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इज ₹50 पर ऑर्डर। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ₹50 पर ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹50। एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 20% ऑफ एवरेज स्टॉक। अगर आपको ये इमेज में सही नहीं दिखाई दे रहा है तो ये 20% है। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 20%। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो हमारा कैरिंग कॉस्ट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये हमारा कैरिंग कॉस्ट हुआ। ये दिया हुआ है 20%, 20%। तो ये तीन चीजें हमको दी हुई है, एनुअल कंजम्पशन 50 लाख, डन। कैरिंग कॉस्ट 20%, डन। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹50। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट जो है वो रुपीज में फाइंड आउट नहीं हो सकता है। वैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में कैरिंग कॉस्ट रुपीज में हम लोग फाइंड आउट करते थे। जैसे कैरिंग कॉस्ट है 20%, तो 20% किसका, 20% कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट का। मतलब ये जो 20% है वो किसका 20% होता है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट का 20% होता है कैरिंग कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दिया हुआ ही नहीं है, एकदम अलग क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ईओ क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। ईओ क्यू का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 2AO/C। फॉर्मूला याद करो जिनको नहीं याद हो। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 2AO/C। तो स्क्वायर रूट 2, ये 2 फॉर्मूला का 2 है, ए ए है हमारा 50 लाख रुपीज, ए 50 लाख रुपीज, ओ है ₹50, ये रहा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹50। अपॉन ये जो कैरिंग कॉस्ट है अपॉन में सी, ये हम लोग लिखेंगे 20%। 20% मतलब 20/100, इसको हम लोग लिखेंगे 20/100। जो कैरिंग कॉस्ट है क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दिया हुआ होता है, नॉर्मली नॉर्मली कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दिया हुआ होता है, वॉट एवर कोई भी एक अमाउंट यहाँ पे दी हुई होती है, जो भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दिया हुआ होता है उसका 20% हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। बट इस क्वेश्चन में तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो हम कैरिंग कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट की जगह पे हम लोग लिख देंगे 20/100। कैरिंग कॉस्ट की जगह पे ये जो 20% है, 20% मतलब 20% मतलब 20/100। आप बोल सकते हो 20/100 मतलब 0.20, 0.20। तो 20% हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर यूनिट का, पर इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दिया हुआ ही नहीं है, तो 20% हम निकाल ही नहीं सकते। तो हम लिखेंगे 20/100। 20/100 कितना होता है, 0.20। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, 2 × 50 लाख × 50। तो यहाँ पे मैं करूंगा 2 × 50 लाख × 50 डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये 2 × 50 लाख
मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 0.2, याद रहेगा 0.2 कैसे आया, 0.2 कैसे आया, ये 20/100, 20% 20% मतलब 20/100 मतलब 0.2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 0.2 ये होता है 250 लाख, मतलब ढाई करोड़। 250, 250 करोड़, ये होता है 250 करोड़, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट होता है 50,000। ये 50,000 रुपीज हमारा ईओक्यू आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैंने वही रूल लिख के रखा है जो मैंने ऊपर वाले दोनों सम्स में भी लिखा है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को कंजम्पशन रुपीज में दिया हुआ है, तो ईओक्यू का जो आंसर होगा वो भी रुपीज में होगा। पहले वाले क्वेश्चन में यूनिट्स में था, एनुअल कंजम्पशन यूनिट्स में था, तो हमारा ईओक्यू भी यूनिट्स में आया। दूसरे क्वेश्चन में केजीज में था, ए केजीज में था, तो ईओक्यू भी केजीज में आएगा। इस क्वेश्चन में हमारा ए रुपीज में है, तो ईओक्यू भी रुपीज में आएगा। बस सीखने ज्यादा ये था 0.20, बाकी तो इजी है, ठीक है। इस 50,000 का मतलब क्या है, मैं 50,000 का मतलब बता देता हूँ। हमको पूरे साल में 50 लाख रुपीज के रॉ मटेरियल खरीदना है, पूरे साल में हमको 50 लाख रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदना है, तो एक बार में कितना रॉ मटेरियल एक ऑर्डर में खरीदना चाहिए, तो हमको एक ऑर्डर में 50,000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए। पहले इसके बाद कभी कभी स्टेप टू भी पूछते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। स्टेप टू होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ईओक्यू। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ईओक्यू, ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू। तो अगर हमको पूरे साल में 50 लाख रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदना है, अगर हमको पूरे साल में 50 लाख रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है, और एक ऑर्डर है हमारा 50,000 रुपीज का, एक ऑर्डर है हमारा 50,000 रुपीज का, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, एनुअल कंजम्पशन हमारा 50 लाख था और हमारा ईओक्यू 50,000 था, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 50 लाख रुपीज का मटेरियल खरीदना है और एक ऑर्डर हमारा 50,000 रुपीज का, तो कितने ऑर्डर्स हमको देने पड़ेंगे, हमको 100 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। ये स्टेप टू इस क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ईओक्यू, 100 ऑर्डर्स इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, पर मैंने बता दिया, ठीक है। अब सब स्टूडेंट्स अच्छी तरह से लिखेंगे, ठीक है, लिखो अच्छी तरह, ये मेरा नंबर है, कुछ भी सीखना हो तो। मटेरियल वन सम्स वाले पेजेस, ये आपको सारा सम्स वाले पेजेस में लिखना है। ठीक है, लिखते जाओ, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। देखो सब लोग,